हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको 6th to 12th का सिलेबस करवाऊंगी, और जैसा कि आप सभी को पता है वो सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ, और यहाँ पे मैं आपको वो पूरा सिलेबस बिल्कुल सीक्वेंस वाइज कवर करवाऊंगी। और अगर आपको पीछे का कोई वीडियो छूट गया या फिर आपने पीछे के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम पर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम पर आपको पूरा सिलेबस सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। और इसके अलावा जैसे 6th to 12th का सिर्फ यही सब्जेक्ट नहीं, जैसे मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उन सभी के कंप्लीट कोर्सेज आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं बिल्कुल अलग टॉपिक, बिल्कुल इजी टॉपिक जो अभी तक हम पढ़ते हैं। इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है कि हार्ट क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, एक्सक्रेशन क्या होता है, किडनी क्या होती है, सारे जो पार्ट्स हैं वो बॉडी का कंट्रोल कैसे होता है, वो सब चीज़ें हमने पढ़ी। अभी के बिल्कुल हम अलग बिल्कुल ईजी जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो स्टार्ट करने वाले हैं। अगला मतलब जैसे आप हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें क्या मेनली हम जो अभी टॉपिक पढ़ेंगे ये हमारे चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट या क्या पर्यावरण। देखिए पर्यावरण के मतलब आप खुद देखिए, आप जहाँ पे रहते हो आप कई बार इमेजिन करके देखिए इस चीज़ को। आप यहाँ पे रहते हो, इतनी चीज़ें हैं प्रकृति में, इतना मतलब वेरिएशंस हैं, ये चीज़ है, वो चीज़ है, इस टाइप के प्लांट्स, उस टाइप के प्लांट्स, कोई हरा है, कोई नीला है, पानी है, धरती है, आकाश है, सब कुछ है। वो चीज़ क्यों है, गैसे हैं, हम पढ़ते हैं साइंस में ये गैसे होते हैं, वो होते, इतने छोटे जीव होते हैं जिनको देख नहीं सकते माइक्रोस्कोप के बिना, कुछ इतने बड़े होते हैं, तो वो सब क्या है? ये सब चीजें जो हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट है? हमारे पर्यावरण के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो वर्ड हमने बोला पर्यावरण, ये क्या इंग्लिश का जो एनवायरनमेंट वर्ड है इसका क्या है हिंदी मीनिंग है? इसका हिंदी मीनिंग है क्या? पर्यावरण। अगर इसका अर्थ देखें हम तो ये दो शब्दों से मिलके बना है। कौन कौन से? परी प्लस आवरण। इसलिए किसका फॉर्मेशन हुआ है? पर्यावरण का। ठीक है, यही अगर हम मेनली इसका अर्थ देखें कि एनवायरनमेंट शब्द का अर्थ क्या है, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें यहां पे ये क्या हो गया चारों ओर से। देख परी का मतलब होता है चारों ओर, और आवरण का मतलब घेरने वाला या ढकने वाला कवच। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पर्यावरण के बारे में पढ़ रहे हैं कि पर्यावरण क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले तो अगर हम इसकी डेफिनेशन दे कि हम पर्यावरण किसको बोलेंगे, हम एनवायरनमेंट जो है वो किसको बोलेंगे, कि एक ऐसा आवरण मतलब या फिर ऐसा सामान्य भाषा में कि हमारे चारों तरफ से हमें घेरने वाला आवरण जो है वो क्या कहलाता है? वो पर्यावरण कहलाता है, चारों तरफ उपस्थित जो आवरण। अब चारों तरफ तो बहुत सी चीजें हैं, वायु भी है, जल भी है, मिट्टी भी है, ताप भी है, आर्द्रता भी है, हर एक चीज है, सभी चीजों ने मिलकर एनवायरमेंट का निर्माण किया, वायुमंडल भी है, ये सब किसके अंदर आते हैं? ये सारी चीजें पर्यावरण का हिस्सा है। ठीक है, ये तो परिभाषा हम दे सकते हैं, चारों ओर जो आवरण होता है, कैसा कवच चारों तरफ से हमें घेरता है जो, उसको क्या बोलते हैं? उसको पर्यावरण बोलते हैं। इस टाइप की परिभाषाएं तो आपको बहुत देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, हमारे चारों तरफ का जो आवरण है वो क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। ये चारों ओर घेरने वाला, वही तो बात हो गई, चारों तरफ से घेरने वाला आवरण, चारों तरफ से घेरने वाला आवरण क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। ऐसा आवरण जो हमें चारों तरफ से घेरता है उसको क्या बोलते हैं? पर्यावरण कहते हैं। अब देखिए कभी मौसम के अंदर क्या होता है, सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, कोई एनवायरनमेंट की जो कंडीशन होती है वो हमें प्रभावित करती है, उससे हम प्रभावित होते हैं। तो वो जो चीजें हो रही हैं वो मतलब उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ पार्ट है वो रिस्पॉन्सिबल है।
कुछ ना कुछ चीज़ें जो है जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो सब चीज़ें किसके अंदर हैं? वो सारी चीज़ें एनवायरनमेंट के अंदर हैं, सारी चीज़ें पर्यावरण के अंदर हैं। अगर हम बात करें कैसे कि वातावरण या परिस्थितियों की अगर हम बात करें, तो वातावरण की परिस्थितियों में क्या होते हैं? सजीव भी है एनवायरनमेंट में, निर्जीव भी है एनवायरनमेंट में। तो वातावरण की जो परिस्थितियाँ, उन परिस्थितियों के अंदर जो जीव होते हैं, उनका अस्तित्व, वो सारी एनवायरनमेंट की जो कंडीशन को हम पर्यावरण बोल रहे हैं, उसकी जो एनवायरमेंटल की जो कंडीशन जो है, उसकी वातावरण की जो परिस्थितियाँ हैं, वो परिस्थितियाँ इस टाइप की हैं। उन परिस्थितियों को बनाया ही इसलिए गया है ताकि जीव क्या कर सके, वृद्धि कर सके, मतलब वो क्या कर सके, ग्रोथ कर सके। जीव क्या कर सके, ग्रोथ कर सके, ठीक है, वो क्या कर सके, अपना अस्तित्व बनाए, अपना एग्जिस्टेंस बनाए रख सके। ये चीजें किसके अंदर आती हैं? ये पर्यावरण के अंदर आती हैं। पर्यावरण की भी क्या, वातावरणीय परिस्थितियां जो होती हैं, वो वातावरणीय परिस्थितियां एनवायरनमेंट की वो इसी टाइप से होती हैं कि हर जीव उसके अंदर क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। पानी के अंदर रहने वाले जीवों के लिए पानी बना है क्योंकि वो पानी के अंदर जिंदा रह सकते हैं। धरती पर रहने वाले जीवों के लिए, स्थल पर रहने वाले जीवों को उसका उनका उनकी जो कंडीशन है, बॉडी की सिचुएशन इस टाइप की हैं कि उस कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, पर्यावरण के अंदर सभी जीवों का अलग अलग अस्तित्व होता है, सभी की अलग अलग प्रक्रिया होती है। वही चीज़ क्या है, चारों ओर का जो एनवायरनमेंट है, जो विविधताएं हमें देखने को मिलती है, वो क्या है, वो एनवायरनमेंट है, वो पर्यावरण है। और एनवायरनमेंट है, उसके अंदर सारी कंडीशंस भी हैं, और उसी के अंदर क्या करते हैं, सभी जो जीव होते हैं वो रहते भी हैं। सभी जीव क्या होते हैं, रहते। तो उनके बीच में क्या होता है, एक इंटरेक्शन होता है, उनके बीच में कुछ क्रियाएं होती हैं, परस्पर कुछ क्रियाएं होती हैं, कुछ इंटरेक्शन होते हैं उनके बीच में। एनवायरनमेंट के जो कंडीशन है उससे प्रभावित हो रहे हैं जीव, और जो जीवों से प्रभावित किया एनवायरनमेंट है उसको भी तो वो जरूरी नहीं है उसका उसके पॉजिटिव, उसको नुकसान भी तो पहुंचा रहे हैं जीव। तो ये चीज़ें कि साइंस जो है मेनली उसके अंदर कि ऐसा विज्ञान जिसके अंदर एनवायरनमेंट और जीव जो होते हैं, उनके जो इंटरेक्शंस जो होते हैं, उसके अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में पढ़ा जाता है, उस विज्ञान को क्या कहते हैं हम, उसको हम पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी विज्ञान या फिर इकोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या डेफिनेशन दे, वातावरण परिस्थितियां प्रभावित कर रही हैं जीव को, तो उस जीव और वातावरण की जो कंडीशंस हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शंस होते हैं, जिस विज्ञान में इसका अध्ययन किया जाएगा, जिस विज्ञान में हम ये पढ़ेंगे कि जो उनके बीच में क्या इंटरेक्शंस होता है, कैसे एनवायरनमेंट प्रभावित करता है जीवों को, जीव कैसे प्रभावित होते हैं उससे, उस विज्ञान को क्या बोलते हैं, उसको इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। पर्यावरण और क्या, जो भी जीव होते हैं उन जीवों के मध्य क्या होते हैं, उनके बीच में जो इंटरेक्शंस होते हैं, उनके बीच में इंटरेक्शंस होते हैं उसके अध्ययन को। उसके अध्ययन से रिलेटेड जो साइंस होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम इकोलॉजी बोलते हैं, उसको हम पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं, पारिस्थितिकी विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, एक ऐसा विज्ञान जिसके अंदर हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं, उसकी कंडीशंस के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट सिर्फ छोटी सी चीज़ नहीं है। आप चलते जाइए, आपको जगह जगह दूसरे ही जगह पे कुछ पेड़ मिलेंगे, आपको दूसरी जगह पे दूसरे पेड़ मिलेंगे, वहाँ पे जीव अलग मिलेंगे, किसी का कलर बहुत डार्क मिलेगा, किसी का कलर बहुत वाइट मिलेगा, कहाँ पे गर्मी होगी, कहीं पे सर्दी होगी, हर कंडीशंस अलग हैं जो वहाँ के इंसानों को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही हैं, इंसानों से प्रभावित हो रहा है। तो वो सारी कंडीशन किस में आती है, वो एनवायरनमेंट में आती है, वो वातावरण में आती है। उन सभी परिस्थितियों को हम किसके अंदर रखते हैं, हम एनवायरनमेंट के अंदर रखते हैं, वातावरण के अंदर रखते हैं। तो अगर आपको मैं पढ़ा रही हूँ समझ में आ रहा है, तो आप वीडियोस को लाइक करके बताइए कि आपको समझ में आ गया है।
मुझे कैसे पता चलेगा समझ में आ गया? अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे पता चलेगा कि समझ में आ गया। कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हर क्वेश्चन का रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। और जितना हो सके वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा वीडियो को लाइक करोगे शेयर करोगे हमारे एक्सपर्ट की टीम उतनी ही जल्दी आपको सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट कोर्स और सीक्वेंस वाइज प्रोवाइड करवाएगी। और सब्सक्राइब तो आपने कर दिया होगा, नहीं किया है आप न्यू हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपका, क्योंकि देखिए आप बहुत सारे वीडियोस देखते हो, वो वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आप उसको सब्सक्राइब चैनल को कर लेते हो। वो कौन से वीडियो को, जरूरी नहीं वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, जब आप किसी बिना एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हो तो ये तो आपके एजुकेशन से रिलेटेड है, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है, आप इसको सब्सक्राइब क्यों नहीं कर सकते? ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा जैसे वीडियो अपलोड होता है आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। तो देखिए हम पढ़ रहे हैं एनवायरनमेंट के बारे में कि जो एनवायरनमेंट जो होता है इसके अंदर क्या कंडीशन होती है, इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, जो हम उसको क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी विज्ञान बोलते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं मेनली किसके बारे में, इकोसिस्टम के बारे में, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, ठीक है, कि ये जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है इसकी जो कंडीशंस होती हैं वो किस टाइप की होती हैं, वो कैसी कैसी होती हैं, ये बात हो गई। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि ये जो क्रिया है जिसको हम बोल रहे हैं पारिस्थितिकी तंत्र है, ये कंडीशन है, वो कंडीशन है, ये सारी चीज़ें हमें क्या करती है, किसी ना किसी रूप से हमें प्रभावित करती है, इनसे हम प्रभावित होते हैं। इनसे क्या होता है कि जो पर्यावरण है और जो जीव हैं उनके बीच में क्या होता है, एक संबंध स्थापित हो जाता है, और उसके कारण जो जीव है वो कहाँ रह पाते हैं, वो जीव पर्यावरण में रह पाते हैं। कहाँ रह पाते हैं, पर्यावरण में। और तभी क्या कर सकते हैं, और उस एनवायरनमेंट के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं जो एनवायरनमेंट उनके अनुकूल है, जिस वातावरण में वो अपने आप को वहां पे सर्वाइव कर सकते हैं, रख सकते हैं, अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, अपनी संख्या में वृद्धि कर सकते हैं, उनका अस्तित्व बना रह सकता है। तो वो कंडीशंस जो उसको मिल रही हैं वो क्या है, वही एनवायरनमेंट है, वही पर्यावरण है। पर्यावरण के अंदर हमारे सांस लेने के लिए, आप खुद देखिए सांस लेने के लिए क्या है, वायु है। हमें यूज लेने के लिए क्या है, जल है। हवा लगातार चलती रहती है, वायु बहती रहती है, पानी मिलता है, एनवायरमेंटल कंडीशंस मिलती हैं, मिट्टी मिलती है, टेम्परेचर मिलता है, ह्यूमिडिटी मिलती है, हर एक चीज जो है जो हम हमारे जिंदा रहने के रिस्पॉन्सिबल है वो किससे मिलती है हमें, वो पर्यावरण से मिलती है, वो एनवायरमेंट से मिलती है, लेकिन फिर भी हम उसकी वैल्यू को नहीं समझते हैं, उसको हम क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। जो काम है वो करना जरूरी है, लेकिन जिस चीज से एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा है अगर वो आप बंद नहीं कर सकते उसको कम तो कर सकते हैं। वो सब चीजें जो हमें मिल रही हैं जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, हर एक जो संसाधन है वो हमें किससे मिल रहा है, वो हमें एनवायरमेंट से मिल रहा है। एनवायरमेंट क्या करता है, हमें जितने भी जो सब संसाधन होते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं हमें वो उपलब्ध करवाता है, वही क्या है, एनवायरमेंट है। हम क्या बोल रहे हैं, ऐसा आवरण जो हमें चारों तरफ से घेरता है। चारों तरफ से क्या क्या चीज़ों ने आपको घेरा हुआ है, वायु है, ताप है, दाब है, पेड़ पौधे हैं, दूसरे जीव हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, वो सब चीजें किसके अंदर आती है, वो सब चीजें पर्यावरण के अंदर आती है। तो ये होता है पर्यावरण जो हमें चारों तरफ से घेरता है, जो हमें प्रभावित करता है, जिससे हम प्रभावित होते हैं, और उनके जीवों के साथ में एक इंटरेक्शन बना के चलते, उसके बीच में परस्पर क्रिया होती है, एक संबंध होता है, उसी के आधार पर जीव क्या होते हैं, उस एनवायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर पाते हैं, उसी के अंदर रह पाते हैं, उस पर्यावरण में स्थापित हो पाते हैं। तो ये कुछ कंडीशन है जिनके बारे में पता होना चाहिए। ये तो था कि पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण जो है वो क्या होता है। अब बताते हैं बहुत ही सिंपल से, बहुत ही इजी क्वेश्चन की, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसका जवाब देना है कि जो पर्यावरण जो है इसके घटक
कौन कौन से होते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का जो रिप्लाई है वो क्या होगा, पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, आपको वीडियोस पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक करके बताइए कि आपको समझ में आ गया है। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और यहाँ मैं आपको 6 to 12 का कंप्लीट सिलेबस करवाऊँगी। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, आपको 6 to 12 के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज, सभी सब्जेक्ट के, वो आपको सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे इंटरनेट पढ़ाई .com पे। इसलिए ना तो आपको कोई टॉपिक सर्च करने की ज़रूरत है, ना आपको कोई दूसरा ट्यूशन क्लासेस जाने की ज़रूरत है, ना पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत है। पर इसके लिए आपको हम कंप्लीट मैटर दे रहे हैं, लेकिन आपको वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा, शेयर करना होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, हमारे एक्सपर्ट की टीम उतनी ही जल्दी आपके सभी क्लासेस के अदर सभी सब्जेक्ट उनके कंप्लीट कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाएगी, वो भी सीक्वेंस वाइज। और आपको पूरा मैटर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी, वो आपको इंटरनेट पढ़ाई .com पे पूरा मैटर प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें, चैप्टर टू चैप्टर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलता रहे।